सेशन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी अड्डा 247 पर। और मेरा नाम है करुणा और ये होने वाली है आपकी पॉलिटी की बहुत ही शानदार लाजवाब क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए और सेशन में जुट जाइए, जिससे हम अपने सेशन की शुरुआत कर सके। एंड हैप्पी मकर संक्रांति। मैम के लिए मूंगफली और गज्जक लेते हैं आज क्लास में, है ना, क्लास में बैठ के खाएंगे आराम से। गुड मॉर्निंग राधिका, वेरी गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग इनोसेंट राव, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप बढ़िया है, मस्त मजे में हैं आप लोग। और आज बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, मतलब बाहर तो बहुत फॉग है, कोहरा है। मैं अभी सुबह सुबह आई हूँ ना, तो सुबह सुबह बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, विजिबिलिटी नहीं थी। हाँ, अभी मकर संक्रांति। गुड मॉर्निंग मंटू सुमेध, वेरी गुड मॉर्निंग राधिका, सूरज एस कुमार मौर्य, सर नहीं है मैडम है, मैडम देखो मैम के लंबे लंबे बाल भी हैं, आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी है। गुड मॉर्निंग, हेलो दादाजी, ये दादाजी किसके आ गए आज? गुड मॉर्निंग, तुम नाम मतलब हद है। चलो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि जिस काम में काम करने की हद पारना हो, वो काम किसी काम का नहीं। कि आप कोई भी काम करते हैं और जब तक उस काम की सारी हदें पार ना कर दें, तब तक उस काम को करने का कोई मजा नहीं है। चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपकी कोई विश हो, कोई मन्नत हो, है ना। और फिर कहते हैं कि अगर आप शिद्दत से चाहते हैं किसी चीज को, तो पूरी कायनात उसे मिलवाने में जुट जाती है। तो अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे, तो पूरी कायनात जुट जाएगी आपको मिलवाने के लिए आपकी मंजिल से। जो आपका सपना है, जो आपकी मनपसंद आपकी सरकारी नौकरी है, वो आपको चाहिए। तो गुड मॉर्निंग आरजू, वेरी गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग। तुम ये मत सोचा करो कि मंजिल मैम कुछ और ही कह रही है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लग भी चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 26 जनवरी को हमने अपने संविधान के इनॉग्रेशन के लिए हमने अपने संविधान को लागू किया था 26 जनवरी को, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। उस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, या कांग्रेस ने 1930 में उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था, या इनमें से सभी के सभी? जल्दी से बताइए मैम को कि सही आंसर क्या होगा। शिद्दत से मेहनत करेंगे, बिल्कुल। हैप्पी मकर संक्रांति। मैम आप कहाँ से हैं? मैम यही इंडिया से ही है, ज्यादा दूर से नहीं है, बिल्कुल आपकी पड़ोसी है। गुड मॉर्निंग अमित, वेरी गुड मॉर्निंग एस कुमार। हाँ जी, मैंने विश कर दिया एस कुमार जी। चलिए गुड मॉर्निंग आशु, गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और कंजूसी जो कर बैठे हैं वो लाइक भी कर दो जल्दी से, और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। जल्दी से बता दीजिए और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सी आंसर भी दे दिया आप लोगों ने। देखो, हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। कब एडॉप्ट किया था मैम? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया था मैम? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ऐसा क्यों कि हमने अपनाया 26 नवंबर को था और लागू 26 जनवरी को किया था? वो इसीलिए क्योंकि 1929 के जब लाहौर सेशन हुआ था, तो हम लोगों ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करी थी कि हमें पूरे तरीके से आज़ादी चाहिए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए हमने वो 26 जनवरी दिन डिसाइड किया था, ठीक है। हाँ जी, तो आंसर सही क्या था? सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, उनसे संबंधित कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कि वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लोकसभा की समिति के सदस्य बन सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, या लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग माइंड ब्लोइंग यादव, वेरी गुड मॉर्निंग विपिन। कितने डिस्टेंस है? मैं बिजनौर से हूँ। अच्छा, आप बिजनौर से हैं। आप में और मेरे में बहुत डिस्टेंस है फिर तो। गुड मॉर्निंग आरजू, वेरी गुड मॉर्निंग राम कुमार, गुड मॉर्निंग सूरज। आशु मैंने ले लिया, 1 2 3 आंसर दे दिया आपने। चलिए जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शील्ड ने आंसर दिया डी। शील्ड, आप बहुत दिन बाद मैम की क्लास में आए हो ना, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी ने 1 दिया, किसी ने सी दिया। चलो देखो,
आर्टिकल किसी ने भी नहीं बताया, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन से ऑफिस के अंदर है मैम? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 एजीआई के ऑफिस की एस्टैब्लिशमेंट करता है। इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का वकील होता है या हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर जो कानून अधिकारी होता है वो एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। वो एजी ओजी है ना, जी सुनते हो वो वाले एजीआई है। कि अगर सरकार को किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, प्रतिनिधित्व करना होगा, तो कौन करेंगे? हमारे एजीआई करेंगे, भारत के महान्यायवादी करते हैं। ये वकील है, जज नहीं है, इस बात पर गौर करेगा मैम की। तो इनके पास कुछ अधिकार होते हैं कि ये हमारी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उनकी समिति के सदस्य बन सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और वोट इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए ये वोट नहीं कर सकते। दैट मींस सी इज द राइट आंसर 1, 2, 3। तो आप सभी ने सही आंसर दिया था। नहीं नहीं राधा, किसी से नहीं नाराज है आप। एक बार सभी लोग पहले सेशन को जल्दी से शेयर करो, जल्दी से सभी दोस्तों को बुलाकर लाओ कि भाई मैम की क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से क्लास में दौड़ दौड़ कर आ जाओ। हाँ, वोट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली होता है, उसमें क्या होता है कि संसदीय सरकार की जैसे नहीं होकर राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सेम पार्टी से बिलोंग करने चाहिए। पहले नलायकों को ना इन्विटेशन देना पड़ेगा ना कि क्लास में आ जाओ, तभी तो वो क्लास में आएंगे। जब मैम उन्हें इन्विटेशन देकर आएंगी कि भाई क्लास में आ जाओ, क्लास अटेंड कर लो, वैसे थोड़ी ना आ सकते हैं सब। चलिए जल्दी से मैम को फटाफट आंसर दे दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग झब्बी, वेरी गुड मॉर्निंग। टाई के टाइम पर वोट भी कर सकता है क्या? अरे 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 अरे, टाई के टाइम पर स्पीकर वोट करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए जल्दी बताइए, फर्स्ट ओनली आंसर दिया आप लोगों ने। क्या आंसर दिया? ओनली वन आंसर दिया। पक्का ओनली वन होगा? चलिए देखिए, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, जहां पर हमारे राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होंगी। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संसदीय सरकार में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, लेकिन अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति के पास भी कुछ शक्तियां हो सकती हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि राष्ट्रपति और पीएम एक सेम पार्टी से बिलोंग करेंगे? ये जरूरी नहीं है। तो दूसरे वाला कथन हो गया गलत। आपसे पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला सही है। कौन सा कथन सही है मैम? तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला कथन ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि संसदीय प्रणाली में दो सत्रों के बीच का जो गैप होता है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं, गिलोटीन कहते हैं, या रिसेस कहते हैं? ये इतनी सारी टॉपिक कौन लेकर आ रहा है? गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग दीपिका, गुड मॉर्निंग यमराज, गुड मॉर्निंग। नहीं आज नहीं आए हैं आरजू शायद। चलिए अच्छा, ये सृष्टि है, गुड मॉर्निंग सृष्टि। गिनती चलो चॉकलेट मेरी, याद रखना मेरी चॉकलेट्स। फोर्थ का डी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। रिसेस, देखो दो सेशंस के बीच का जो गैप होता है उसको हम रिसेस कहते हैं। क्लोजर क्या होता है कि अगर किसी भी मुद्दे पर बहस को खत्म करना हो कि भाई बहुत चर्चा कर चुके हैं, अब बहस को खत्म कर दीजिए, तो क्लोजर मोशन आता है। गिलोटीन क्या होता है कि जब कटौती प्रस्ताव पास करा रहे होते हैं बजट के टाइम पर, तो आखिरी दिन लोकसभा का अध्यक्ष सभी मांगों को वोट के लिए रख देता है, फिर चाहे उन पर डिस्कशन हुई हो या नहीं हुई हो, उसी को हम गिलोटीन कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा था कि दो सेशंस के बीच का गैप क्या होता है, तो वो कौन क्या कहते हैं उसको? हम रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रिसेस कहते हैं। और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो सेशंस के बीच? 6 महीने। कितना हो सकता है मैक्सिमम गैप दो सेशंस के बीच? 6 महीने हो सकता है। इसका मतलब वो एक साल में कम से कम दो बार तो मिलेगा ही मिलेगा। एक साल में संसद कम से कम दो बार तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग पूजा, पूजा आजमगढ़ सुगंधा। बच्चा एप्लीकेशन पर होते हैं पे, जो टॉपिक वाइज क्लास होती है। अजीत गुड मॉर्निंग।
मामा छुट्टी नहीं थी। नहीं, आज किस बात की छुट्टी होगी? हाँ जी यमराज, आप मेरे पंखे, क्लास में तो कभी कभी आते हैं। हाँ जी अनु, 6 months। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकारों में इंक्लूड किया जाता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल बता देना मैम को कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, और साथ साथ मैम को ये भी बता देना कि बाकी अधिकार कौन कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है? और सभी लोग जिंदा रहने के लिए 2 मुलाकात जरूरी है। अच्छा ठीक है राजा, दिन में तुम कितनी बार मिल लेते हो अपने मनपसंद लोगों से? हाँ चलिए जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आते नहीं है ना ऐसे क्लास में, एक बार में थोड़ी ना आएंगे वो, उन्हें कई बार बुलाना पड़ेगा तब वो क्लास में हाजिरी मारेंगे ना। सबकी एब्सेंट लगेगी, सबको पनिश किया जाएगा। मिगोड़ी क्या होता है ये? आर्टिकल 23 और 24, बहुत बढ़िया। देखो आर्टिकल 23 और 24 क्या है आपका? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानव तस्करी को बैन करता है, आपका आर्टिकल 23 है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में इंक्लूड किया जाता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करना, आर्टिकल 17 है। फिर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, आर्टिकल 29 है, तो ये भी नहीं है मैम, ये भी नहीं है। फिर बच्चों को फैक्ट्रीज, 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं करेंगे, आर्टिकल 24 है, तो आपका ये भी है और ये भी है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 4, और 1 और 4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आज तुम सब मकर संक्रांति बनाने गए हो क्या? हाँ, जैकेट का कलेक्शन कहाँ से लिया है मैंने? क्यों इनोसेंट राव, आपको ये जैकेट भी चाहिए? तुम मेरी सारी जैकेट्स ले लोगे तो मैम को सर्दी नहीं लगेगी? दिल्ली में इतनी सर्दी है, इतना फॉग है। हाँ नहीं, मूंग दाल से बनती है। अच्छा, मंगोड़ी मतलब मूंग दाल के पकौड़े। मेरे को मूंग दाल का हलवा पसंद है, वो खिलाओ आप। चलिए जल्दी बताइए मैम, आज पार्टी कहाँ करोगे आप? हम सब भी आएंगे, आज किस बात की पार्टी है? नहीं मैम, कल है। अच्छा निर्मला, चलिए जल्दी से बताइए कि हमारे संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? आज मेरे यहाँ मकर संक्रांति है, दिल चूर द क्या खाइए, चलिए जल्दी से बताइए। दुकान है क्या मैम? नहीं नहीं, कोई दुकान वुकान नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए जल्दी आंसर दे दीजिए फटाफट, कि आपसे पूछा है कि संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? तो संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे बच्चा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक मिनट, संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब दूसरी बैठक हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, और जब पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो उसके हेड थे आपके डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा थे, जो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कैसे चुने गए थे मैम? अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष के रूप में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन काम किया था। जब 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी तो राजेंद्र प्रसाद को हेड चुन लिया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, बताओ कोई फायदा है इतनी दूर सुबह सुबह उठकर, ठंडे ठंडे पानी से तो नहीं, इतनी ठंड में नहा कर ऑफिस तक आना, 2.5 घंटे 2.75 घंटे लगा के, और तुम लोग क्लास में नहीं आते हो ना लाइको। मकर संक्रांति मेरे में, हमारे यहाँ वो मम्मी शाम को वो तिल तो वो करती हैं, वो मेरे को पता नहीं है ऐसा इतना ना। चलिए जल्दी से बताइए, कल से कुंभ मेला भी स्टार्ट है, कौन कौन आएगा नहाने संगम? अच्छा ये मुझ जैकेट मुझको मिलने आऊँ तो मेरे को ये जैकेट गिफ्ट चाहिए। अच्छा बहुत सही, तुम मेरी सारी जैकेट्स ले लो, तुम करोगे क्या? पर
लड़की की जैकेट पहनकर तुम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग राहुल, जूम कर दें, चलो जूम करती हूँ उसको। देखो आपसे क्या पूछा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित आपको कुछ कथन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जूम कर दिया मैंने, आप बताओ। चलिए गुड मॉर्निंग सोनम, बहुत बढ़िया राधा, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से बताओ कि कौन सा सही है। देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है। ये एक नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उनका मौलिक अधिकार, अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। क्या हमारे नागरिक हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर उनका मौलिक अधिकार हनन हुआ तो? बिल्कुल जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप मौलिक अधिकारों के साथ साथ बाकी किसी मामले के में भी जा सकते हैं। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो गई मैम। हमारे सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे सकते हैं कि वो उन मौलिक अधिकारों को लागू करे। ये वाला कथन भी सही है। नो मर्सी ने सही जवाब दिया था मैम, 1 और 3, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। हाई कोर्ट के पास जाने का अधिकार आर्टिकल 226 देता है। कौन सा आर्टिकल देता है मैम? आर्टिकल 226 देता है। अच्छा मैम, नो डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा गुड मॉर्निंग आकिब। अरे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ मैं तो पूछ रही हूँ कि तुम लड़की की जैकेट का करोगे क्या नालायको? ये क्या हो गया, अब बताओ, अब इसको कैसे किया जाए? रुको जरा, ये हो गया है हैंग, है ना, लग गई नजर क्लास में। ये तो अभी भी नहीं गया, रुको अब किसी को बुलाना पड़ेगा मेरे को सेशन में। हेलो मैम, एक बार क्लास में आना जल्दी से क्योंकि वो बोर्ड हैंग हो गया। रुको जरा, 2 मिनट देना ना, बोर्ड को ही नजर लग गई। हाँ बोर्ड को ठंड लग गई, सही कहा तुमने, बोर्ड को ही ठंड लग गई है। इसकी कोई कीबोर्ड नहीं है जिससे कनेक्ट होता हूँ। अच्छा इतने आप लोग ये बता दो कि आज आपके घर पर क्या बन रहा है। जय हिंद मैम, छुट्टी कर दो पतंग उड़ाने को। अच्छा आज तुम पतंग उड़ाना चाहते हो, मेरे साथ उड़ाना? वैसे मेरे को पतंग उड़ानी आती नहीं है, अगर तुम लोग सिखाओगे तो मैम सीख लेगी। पतंग उड़ानी सिखाओगे तुम लोग? हाँ मैम को पतंग उड़ानी सिखाओगे मेरी वजह से? रुको रुको, ये हैंग हो रहा है। हाँ पतंग उड़ानी सिखाओगे तुम? एक क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है आपके पास, पूछो क्या क्वेश्चन है। ज़ूम इन नहीं हो रहा है। इसको वहां से एस्केप करोगे ना तो शायद हो जाएगा। होगा ये उसके कनेक्ट नहीं, बोर्ड से नहीं है कनेक्ट। जल्दी बुलाओ। ये क्या हो गया बताओ, काश तुम जूम ना कराते क्वेश्चन को तो बोर्ड को किसी की नजर ना लगती ना। इश्तियाक खान, अलाहाबाद हाई कोर्ट से आपका वेलकम है। पंजाब में ठंड है, आप पढ़ाओ हम रजाई गद्दे में पढ़े। अच्छा आप तो बर्जे में पढ़े हो ना, लेकिन इस बोर्ड को क्या करें ये बता दो कि मैम ये करो। कोई तुम में से इंजीनियर विंजीनियर नहीं है क्या? हाँ कोई तुम में से इंजीनियर वगैरह नहीं है क्या? बता दो कोई,
मकर संक्रांति का गिफ्ट देना है, क्या चाहिए मकर संक्रांति का गिफ्ट? अच्छा, महिला मित्र को गिफ्ट दे देंगे, तुम नालायको मेरी जैकेट लेकर तुम लोग गिफ्ट देना ना, खुद कमाओ फिर दो, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। हमको आती है मैम पतंग उड़ानी, मेरे को नहीं आती है, मेरे को सिखा देना तुम लोग, मैं सीख लूंगी, फिर हम एक फिर मिलकर पतंग काटेंगे। ठीक है, दही बड़ा इसका। आज हमारे यहाँ संगम के रेट में बेट लगेगी। अच्छा, एक बार एस्केप। हाँ बस रुको एक मिनट। इसको यहीं रख देना, इसको चलिए जल्दी बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है? अब आंसर दो जल्दी से कि इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा? थैंक यू सो मच मैम। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है? हो गया हो गया हो गया ऑन। गुड मॉर्निंग गोलू खान, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तुम बहुत दिन बाद मैम की क्लास में आए हो ना, तुम्हें अभी पनिशमेंट मिलेगी कि तुम इतने दिन बाद तुम्हें मैम की याद कैसे आई है। चलो जल्दी से आंसर दे दो आप फटाफट। क्या पूछा हुआ है आपसे? आपसे पूछा इनमें से कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाएं, आप राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करें, आप देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर आप देश सेवा करने के लिए हाजिर हो जाएं, या भारत के इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बी होगा, क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड निर्मला। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आती है मैम? 4A में आती है, जिसमें एक ही आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल 51A। तो आप देश सेवा के लिए हाजिर हो जाएं, आप देश की रक्षा करें, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य होता है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके पास? 11। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इस भाग को शामिल किया गया था, जिससे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे मैम? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट, एक संघीय सरकार में जो स्टेट के पास पावर्स होती हैं, वो उसकी ओरिजिनल पावर्स होती हैं, या फिर जो सेंटर के थ्रू पावर्स दी गई हो वो, या फिर संविधान के थ्रू पावर्स दी गई हो? आज मुझे ये लग रहा है ना कि मुझे अपनी क्लास की नजर उतारनी पड़ेगी, या फिर सेंटर के थ्रू, संविधान के थ्रू, या फिर जनता के द्वारा पावर्स दी गई हो। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। छोटू छोटू दिख रहा है, नहीं अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, अब छोटू छोटू नहीं दिख रहा है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया था, बिल्कुल सही। हाँ, तुम्हें मैम का नाम बता देना जो बोर्ड ठीक करके गई है, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना देना है। हैप्पी मकर संक्रांति आलो, गुड मॉर्निंग रोहित। चलिए जल्दी बताइए, सी इज द राइट आंसर, पक्का? एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दो। देखो जितने तुम लोग देख रहे हो उतने लाइक्स भी नहीं हो, बताओ। ये तो मैम की बिल्कुल बेइज्जती है, तुम लोग बिल्कुल मैम से बिल्कुल प्यार नहीं करते, दिल बिल्कुल चूर चूर कर दिया तुम लोगों ने। और सेशन को एक बार शेयर कर दो, जो भी न्यू जुड़ा है जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फेडरल गवर्नमेंट में संघीय सरकार, फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट्स, हमारी जो सरकार है वो केंद्र और राज्यों का संघ है। जैसे मैम और हम, मेरा और आप लोगों का संघ है ना, तो हम फेडरल हो गए ना, फेडरल पॉलिटी की क्लास। तो जो स्टेट के पास पावर्स होती हैं वो संविधान के द्वारा जो दी जाती हैं वो पावर्स होती हैं। कौन सी पावर्स होती हैं? जो संविधान के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बी वाले बिल्कुल गलत है बच्चा, सी वाले सही है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि कौन सी सूची पर कौन सी सरकार कानून बनाती है, उन्हें मैच कर दो जल्दी से, करो। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट संघ सूची पर, फिर लोकल गवर्नमेंट ट्रेजरी पावर्स पर, कौन सा सही मैच नहीं है आपसे पूछा है, जल्दी बता दो। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट पर, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाती है।
हाँ ले आओ मंटू, बिल्कुल ले आओ गोलगप्पे। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी वाला सही मैच नहीं है, बी वाला सॉरी सही मैच नहीं है। देखो हमारा जो सेवेंथ शेड्यूल है, जो सातवीं अनुसूची है, वो सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को डिवाइड करता है तीन लिस्ट के फॉर्म में, तीन सूचियों के फॉर्म में। जो यूनियन लिस्ट है, जो संघ सूची है, उस पर कानून बनाती है आपकी सेंटर की गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची के विषय, उन पर कानून बनाती है आपकी स्टेट की गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उन पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो ये भी सही है। लेकिन जो रेजिडरी पावर्स है, आवश्यक शक्तियां होती हैं, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है। ऐसा कोई भी विषय जो तीनों ही सूचियों में नहीं होता, ऐसा कोई भी विषय जो तीनों ही सूचियों में नहीं होता, उसी पर कानून बनाने की शक्ति को हम रेजिडरी पावर्स कहते हैं, आवश्यक शक्तियां कहते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कैबिनेट प्रणाली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सुबह सुबह पतंग उड़ाओगे क्या इतने फॉग में? सुबह 9 बजे की क्लास तो होगी ना। चलिए जल्दी से बताइए, एच के प्रो दिख रहा है? दिख रहा है सब? अजीत आंसर दो, आंसर चरण स्पर्श शैलो। अमित 370, इलेवेंथ का बी आंसर दे दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। देखो कैबिनेट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, अब यहां पर पता है क्या है, उन्होंने कैबिनेट सिस्टम दे दिया। कैबिनेट सिस्टम बोले तो कौन सी सरकार, पार्लियामेंट्री सरकार को भी कहते हैं। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसका क्या है, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जो सरकार है वो सामूहिक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होती है हमारी लोकसभा को, पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है, कि पूरी की पूरी कार्यपालिका कलेक्टिवली उत्तरदायी होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को, लेजिस्लेचर को। तो बी इज दी राइट आंसर। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो सभी मंत्री त्याग देंगे और पीएम भी त्याग देगा और सरकार गिर जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हसन बच्चा ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। आपसे पूछा है कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहते हैं, पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति, हमारा कैग, हमारा संसद, या फिर मंत्रिपरिषद, बताइए। सपने में भी क्लास ले रहे थे, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताओ। अच्छा दहेज में ले चलो, अब घर वाले ताने देते हैं, ठीक है चल लेना। चलो जल्दी से आंसर दे दो पहले। 14th का बी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। देखो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, कैग को कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल है कैग का, जल्दी से बताओ, आर्टिकल 148 है। आपका कैग क्या करता है, जो भी सरकार खर्चे करती है उन सब को ऑडिट कौन करता है, हमारा कैग करता है। जो भी सरकार खर्चा करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, इन दोनों सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं उन सबको ऑडिट आपका कैग ही करता है। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो हम लोग दे रहे हैं टैक्स के रूप में, तो अब इन्हें ऑडिट कैग कर रहा है, तो हमें पता होगा ना कि भाई हमारी सरकार बेहतर तरीके से हमारे पैसे को यूज कर रही है या नहीं कर रही है। तो सही आंसर क्या है आपका, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो कहाँ पर पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, या फिर लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। चलिए अखिल कौन है, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
पढ़ने में मन लग जाता है आपके आ जाने से। अच्छा नाम देखो, किरण का 13th का ए आ गया, ऋषभ लोकसभा, बहुत बढ़िया। सबका आंसर क्या आ रहा है? लोकसभा आ रहा है। देखो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो इसीलिए क्योंकि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा को ही उत्तरदायी होती है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। कितने? 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है और इन्हें रीजन बताने की जरूरत नहीं होती, इन्हें कारण नहीं बताना होता कि ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर पास हो गया तो सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा और मिनिस्टर रिजाइन देंगे तो पीएम भी रिजाइन देंगे और सरकार गिर जाएगी। वही वाली बात है ना कि हम तो डूबेंगे डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे सना, तो वही वाली बात है। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना ढंग से तो पेपर तो अच्छा देंगे नहीं, तो आप तो जाएंगे जाएंगे, मैम की भी बेइज्जती होगी फिर। हाँ जी, और दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 6 months का होता है। गुड मॉर्निंग संजीव मौर्य, ए आंसर सही था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे पूछा कि फेडरल स्ट्रक्चर जो संघीय प्रणाली है वो कौन से अधिनियम के तहत सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, 1909, 1919, 1935 या 1947। एक बार सभी लोग पहले सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, कहाँ रह जाते हैं आप लोग बताओ। मैं सोचती हूँ कम से कम स्टूडियो से आके क्लास लो तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, तुम लोग ज्यादा आते हो। शकीवी सी आंसर दिया, 1935। गुड मॉर्निंग शिखा, बहुत बढ़िया। देखो कुछ ने गलत दिया 1909, कुछ 1919 दे रहे हैं। संघीय प्रणाली इंट्रोड्यूस करने वाला अधिनियम 1935 था। इसी ने ही कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया होगा वो संघीय होगा, फेडरल होगा। किस किस का? हमारा प्रोविंसेस का, प्रांत का और प्रिंसली स्टेट का, रियासतों का। किस किस का संघ होगा मैम? प्रोविंसेस का, प्रांत का और प्रिंसली स्टेट्स का, रियासतों का होगा। वो मैम अपना फोन याद भूल गई। किस किस का होगा बच्चा? प्रोविंसेस का, प्रांत का और प्रिंसली स्टेट्स का होगा, रियासतों का संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, जब हमने अपने संविधान को लागू किया था तो हमने अपनी इंडियन टेरिटरी को 4 भाग में बांटा था, ए बी सी और डी में। आपको बताना है कि इकलौते डी के सदस्य कौन थे, विंध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास या अंडमान और निकोबार आइलैंड से, बताइए। अच्छा इतनी सुंदर मैडम उठा लो आप ही मैम, मैं क्यों उठा लूं? अच्छा मतलब किसी और का फोन आ रहा है, वो मैम गलती से फोन भूल गई है और मैं उठा लूं फोन, मैं क्यों उठा लूं मैम? हाँ अमन बोलो, दिल संभल जा जरा। अच्छा ट्यून बजी, वो दिल संभल जा जरा, तुम्हें गाने ऐसे ट्यून से एकदम गाने बजा लेना। वो मैम फोन भूल गई, एडिटर मैम यहाँ पर। चलिए गुड मॉर्निंग वर्मा जी, डी आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बहुत बढ़िया। देखो 1950 में इंडियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 4 भाग में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ए के अंदर सारी की सारी प्रोविंसेस प्रांत थी, बी के अंदर सारी की सारी प्रिंसली स्टेट रियासत थी, सी के अंदर चीफ कमिश्नरी एरियाज थे और डी के अंदर इकलौता अंडमान और निकोबार आइलैंड था। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सही जवाब? डी हो जाएगा। और फिर इसी फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन को 7th Amendment Act 1956 के थ्रू खत्म कर दिया गया था, क्योंकि 1956 में हमने 14 स्टेट्स बनाई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। और ये स्टेट्स किस आधार पर बनाई थी? लैंग्वेज बेसिस पर, भाषा के आधार पर। किस आधार पर बनाई थी मैम? लैंग्वेज बेसिस पर, भाषा के आधार पर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि लोकल गवर्नेंस किसकी फाउंडेशन है, एक अलीट सिस्टम की, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की, लोकतंत्र की या फिर आरक्षण की, बताइए। गुड मॉर्निंग नंदिनी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। देखो ऐसे कैसे मजा आएगा ना पढ़ाने में, आपको एक क्लास में ये 25 क्वेश्चन ढूंढने में हमको इतने घंटे लगते हैं, फिर उन्हें सेट करो पूरा सब कुछ और फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेक करो, लेकिन आप लोग क्लास में नहीं आ सकते हैं।
अमन मैम आपसे पूछ रही हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम सब स्टूडेंट्स पर ध्यान दे रही हैं। 16th का आंसर बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। कुछ का आंसर आना भी शुरू हो गया और सी जवाब दे रहे हैं। देखो सी वाले बिल्कुल सही हैं। देखो ध्यान से, लोकल गवर्नेंस क्या है? लोकल गवर्नेंस मतलब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं। आपको याद होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहा था? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, की सारी पावर सेंटर में नहीं हो, वो स्टेट में आए और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन, मजबूत किया जा सकता है अगर लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम लोग अपनी पंचायत के सदस्यों के ज़्यादा करीब होंगे इन कंपैरिजन टू जो राज्य की सरकार होगी या हमारे मोदी जी होंगे। अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप कहाँ जाएंगे? गाँव के प्रधान के पास जाएंगे या सीधा मोदी जी के पास जाएंगे? तो पहले पंचायत होगी ना, वहाँ पर। तो सी वाले बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आपसे पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था कि एक ही व्यक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 6, 7, 8, 9। ओके अर्णव, बहुत अच्छी बात है, आप डेली क्लास में आते हैं तो। गुड मॉर्निंग श्याम। जितेंद्र, आपकी पहली क्लास है तो आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग सनी। प्रियेश बताइए, मोदी जी के पास? अच्छा, लोकल गवर्नमेंट में कौन आते हैं? अर्णव, लोकल गवर्नमेंट गांव में पंचायत और शहरों में म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, उसी को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। 7th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बढ़िया। देखो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, मतलब कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से एक बार सारी बातें याद रख लो कि कौन कौन सी बातें हैं, कि इससे हमने फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन को खत्म किया। इसी से कॉमन गवर्नर की बात कही गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसी अमेंडमेंट से कहा गया कि कॉमन हाईकोर्ट भी हो सकता है, मतलब एक हाईकोर्ट दूसरी स्टेट का चार्ज भी संभाल सकता है। और इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 को भी खत्म कर दिया था, तो ये सारे के सारे काम कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किए गए? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। हाँ जी, जैसे आनंदी बहन पटेल यूपी और एमपी दोनों की। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सॉवरेन पार्लियामेंट, जो एक संप्रभुता संसद होता है, वो कौन से देश का योगदान है? इंग्लैंड का, इंडिया का, फ्रांस का या फिर जापान का? इंग्लैंड का, इंडिया का, फ्रांस का या फिर जापान का? बताइए। आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुक्का सही चला गया। मस्ती मिजाज कौन कहां चला गया? ए आंसर दे रहे हो आप लोग? क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? ए आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो सॉवरेन पार्लियामेंट, किसकी फीचर है? हमारे इंग्लैंड की है। हमने संसदीय सरकार कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से ही तो लिया था, इंग्लैंड से ही तो लिया था। कहाँ से लिया था मैम? हमने ब्रिटेन से लिया था, इंग्लैंड से लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटेन ही हो जाएगा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से प्रस्ताव के तहत हमारे सदन के पूरे जीवन काल को खत्म किया जा सकता है? बताइए। समन करना, ठीक है बहादुर, आप ले लेना बच्चा पूरी क्लास, बाद में देख लेना जरूर। समन, एडजर्नमेंट, साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, प्रोरोगेशन, स्थावसान या डिसोल्यूशन, विघटन, बताओ। थैंक यू कीवी। कोई बात नहीं बहादुर, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना बच्चा, अभी आंसर दे दो जल्दी से। कोई बात नहीं मस्ती मिजाज,
यहाँ लाइव ज्यादा होते हैं नहीं होते हैं? मैम ने 17-17 हजार 18-18 हजार भी लाइव पढ़ाए थे ना, यहाँ भी मेहनत है वहां भी मेहनत है, ठीक है? तो आपकी मैम तो वही है ना, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक मिलने के मीडियम से आप लोग बदल सकते हैं या बीच की पढ़ाई बदल सकती है, तो वो आपकी सोच है ना। फिर आप आकर देखो, वही चीज वैसे के वैसे ही मिलेगी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जेनसन 19th का डी आंसर हो जाएगा। हाँ ऋषभ, देखो एंड्स दी वेरी लाइफ, समन का मतलब क्या होता है? मीटिंग के लिए बुलाना होता है। समन मतलब मीटिंग के लिए बुलाना। मैंने आपको सुबह 9 बजे की पॉलिटी की क्लास के लिए समन किया, मतलब मैंने सुबह 9 बजे की क्लास के लिए बुलाया। एडजर्नमेंट साइंड है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है, क्लास को सस्पेंड कर देना। मैं कहूं कि 9 बजे की क्लास सस्पेंड हो जाए और बता नहीं रही कि कितने समय के लिए सस्पेंड कर रही हूं, तो उसको एडजर्नमेंट साइंड है कहेंगे, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहेंगे। प्रोरोगेशन का क्या होता है? प्रोग्रा का पूरा सत्र सस्पेंड हो जाता है, मतलब अगर ये लेखपाल का बात चल रहा है तो वो सस्पेंड कर दिया जाए, तो प्रोरोगेशन हो गया। डिसोल्यूशन विघटन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जीवन काल को खत्म कर देना, और ये केवल लोकसभा का ही हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 5 साल से पहले भी लोकसभा को विघटन कर सकता है। वैसे लोकसभा 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही जाती है, उसका विघटन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। और अगर विघटन हो गया तो नई लोकसभा के इलेक्शन कितने दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए? 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। कितने दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए मैम? 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती मैम। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, तो वो कभी भी डिसॉल्व, कभी भी विघटित नहीं हो सकती। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अर्णव, उनको उसको जॉन्डिस हो गया बच्चा, इसीलिए सर की क्लास नहीं हो रही है, सर अपने घर गए हैं। विच ऑफ द, अभी छोटा सा न्यूली बॉर्न बेबी है ना, और छोटे से बच्चे को ठंड लगने के या जॉन्डिस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, जल्दी सर की क्लास शुरू हो जाएगी, परेशान मत होइए। बस आप सब दुआ कीजिए मिलके कि सर के बच्चे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। चलिए हाँ नो, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि इनमें से कौन सा भाग सही तरीके से मैच्ड नहीं है। कोई बात नहीं, डिसेंट हार्ट, कोई बात नहीं। चलो अरे आशु, मेरा फोन नहीं है तो मैं कैसे उठा लूं? वो जो मैम आई थी ना बोर्ड ठीक करने के लिए, एडिटर मैम, वो अपना फोन भूल गई है, तो मैं थोड़ी ना किसी और का फोन उठा लूंगी। चलिए जल्दी बताइए। 20 का डी आंसर दिया आप लोगों ने। देखो पंचायत किस में है? भाग 9 में है, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 भाग 9 ए में है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से भाग 9 बी में जोड़े गए थे। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है, वो भाग 10 में नहीं है आपके, किस में है मैम? 14A में है। किस में है मैम? 14A में है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आपके शामिल किए गए थे। अधिकरण दो ही हैं, आर्टिकल 323A और 323B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग अनिशा, बहुत लेट आए हो। नेक्स्ट, हमारे प्रेसिडेंट की सेम पावर्स होती हैं जैसे कि ब्रिटिश क्राउन की होती है, यूएसए के प्रेसिडेंट की होती है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की होती है, या फ्रांस के प्रेसिडेंट की। गुड मॉर्निंग सोनाली बच्चा, हैप्पी मकर संक्रांति। गुड मॉर्निंग इमरान, हाँ बुला लो एडिटर मैम को, रुक जाओ तो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ मैम। अमित, मतलब राजेश आप क्या पूछ रहे हैं कि भी प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? जब पूरा का पूरा सत्र सस्पेंड हो जाता है, जैसे बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन का प्रोरोगेशन हो गया, मतलब बजट सेशन को सस्पेंड कर दिया, तो सेशन भी गया और सिटिंग भी गई। अब सेशन को प्रेसिडेंट बुलाते हैं तो प्रेसिडेंट ही सेशन को सस्पेंड भी करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए।
हाँ अर्णव ले सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी बिल्कुल ले सकते हैं। ए आंसर दे दिया आप लोगों ने इसका, बहुत बढ़िया। देखो आपसे पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के पास सेम वही पावर्स होती है क्या जो ब्रिटिश क्राउन के पास होती है, वो अंतर क्या है कि हम लोग रिपब्लिक है, हम लोग क्या है रिपब्लिक है, गणराज्य है, कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है उनका टेन्योर फिक्स होता है, निश्चित कार्यकाल होता है और वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में मोनार्की फॉलो होती है, वो मोनार्क है, वहां पर जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी चलती है, इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूएस से पता नहीं कौन बता रहा है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हमारे संविधान की विशेषता नहीं है कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकती है, किसी धर्म को ऑफिशियल स्टेटस मान्यता देती है, आपके पास अधिकार है कि आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर सभी नागरिकों को बराबर समझा जाता है। अच्छा सैम रहने दो तुम, मास तुम सो के ही नहीं उठे अभी तक, मुझे तो लगा कि किसी काम में बिजी होंगे तुम, सपने ने उठने नहीं दिया ऐसा। तुम कौन सा सपना देख रहे थे कि तुम पॉलिटी की क्लास मिस कर गए ना आज। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। रवि प्रकाश, हाँ बच्चा आपने आंसर दिया, चलिए जल्दी बताइए। ट्वेंटी टू का डी आंसर दे रहे हो तुम लोग। देखो कौन सा नहीं है, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। किसी मान्यता, किसी धर्म को मान्यता दी जाती है, नहीं दी जाती है, हम क्या है मैम सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दी जाती है, सरकार की नजरों में सारे के सारे धर्म आपस में बराबर है, एक समान है, तो आपके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक, आर्टिकल 25 कहता है। और एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जिनका धर्म सेम है उन्हें बराबर ही समझा जाता है, तो कौन सा नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला, दैट मींस जी इज द राइट आंसर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला, दैट मींस जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि हमारी जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कौन से योजना के तहत किया गया था, वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन। हाँ जी सुनाली, बी गलत है, चलिए जल्दी बताइए। अच्छा मैम तो सिग्नल विग्नल तोड़ के आया हूं, डी आंसर दिया आपने, क्या दिया डी, बहुत बढ़िया। देखो नवंबर 1946 में संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, जो एक्सेप्ट किया गया था कि वो हमारी संविधान सभा का गठन करेंगे 1940 में, वो एक्सेप्टेंस की मिली थी अगस्त ऑफर के तहत, अगस्त प्रस्ताव के तहत मिली थी। आपसे पूछा किसके तहत गठन किया गया, तो किसके तहत गठन किया गया था बच्चा, कैबिनेट मिशन के तहत गठन किया गया था, जिसके तीन सदस्य थे, कौन कौन से थे तीन सदस्य, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। अच्छा कान पकड़ कर और उठक बैठक करके, सॉरी, ठीक है शाम कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे पूछा है कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या गोपीनाथ बारदोलोई, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया और जो भी न्यू जुड़ा था वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और ऐसे तो पढ़ाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, आप लोग क्लास में आते नहीं है, ऑफलाइन देख लेंगे लेकिन लाइव नहीं आएंगे, क्यों, कोई बच्चा मेरा नाम बार बार पूछ रहा है, जितेंद्र मैम का नाम है करुणा निर्वाण, आप पॉलिटी बाय करुणा मैम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ क्लास का लिंक डेली शेयर हो जाता है, डेली ज्वाइन हो जाएगा। आज आपके क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए। ए आंसर दिया आपने इसका आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी जी,
कौन थे? हमारे मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। आपके राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, गोपीनाथ बाल्दुलॉय नहीं थे। सही आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी जी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो आपातकालीन प्रावधान है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? ब्रिटेन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, आयरिश के संविधान से या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से? बताइए। हाँ अभी पढ़वाती हूँ अमित, रुक जाओ, आंसर दो पहले तुम। गलत बात है ये, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे सुना लिया, आज आपको फीवर हो गया, आप अपना ध्यान रखो, गेट वेल सून, दवाइयां लो, मेडिसिंस लो और हेल्दी फ्रूट्स, बढ़िया बढ़िया से हेल्दी खाना खाओ और जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। अनिशा, संविधान सभा की 389 सीटें थी, देखो, जिसमें से 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स की थी, ठीक, और आपकी 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया की थी, जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज की थी और 292 सीटें जो थी वो प्रोविंसेस की थी, प्रांत की, और आफ्टर इंडिपेंडेंस यही सीटें 299 बच गई थी, जिसमें से 70 सीटें आपकी रियासतों की थी, प्रिंसली स्टेट्स की थी, और 229 सीटें आपकी प्रोविंसेस की थी, प्रांत की थी। आपसे पूछे इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से बोरो किए हैं, तो हमने कहाँ से बोरो किए थे? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तीन तरीके की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, फिर आपकी स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। नहीं नहीं इमरान, जर्मनी नहीं, मुझे पता था आप लोग गलत आंसर देंगे, जर्मनी देंगे। सुनो सुनो सुनो, ये जब फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है, देखो आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो जाता है, ये प्रावधान हम लोगों ने जर्मनी से लिया है, इस बात को ध्यान रखना। मैं कई बार आपको पढ़ाते हुए भी ये बात बताती हूँ कि मौलिक अधिकारों का, विनू राजपूत, पॉलिटी बाय करुणा मैम, मैं आपको ये बात बताती भी हूँ कई बार, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं है। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया है ये पूछेंगे तो 1935 वाले अधिनियम पूछेंगे, कि मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन हो जाता है आपके इमरजेंसी के टाइम, तो ये हमने जर्मनी से बता दिया, गोलू बता दिया, जर्मनी से क्या लिया गया। ओ अच्छा, याद आ गया अब, ठीक है। चलिए ये थे आपके 25 क्वेश्चन, अपना स्कोर बता दीजिए। और अब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मैम को, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बैच से रिलेटेड। ये आपका एक लाइव बैच होगा जो आपका 25 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक। पॉलिटी में ही पढ़ाऊंगी, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी के थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ें टॉपिक वाइज, तो आप ये बैच में एनरोल करा सकते हैं और इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो टारगेटेड बैच है ये आपका, और अड्डा 247 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर आप इस बैच को बाय कर सकते हैं, या सीधा सीधा गूगल पर जाओ और सर्च करो। और अगर आप मैम का कोड लगाओगे Y394 तो आपको 77% डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा मैम? 77% डिस्काउंट भी मिलेगा। और फिर बोल रही है मैम कि जो भी न्यू था वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक भी कर दो, और क्लास में टाइम से आ जाया करिए, क्लास सुबह 9 बजे होती है। हैप्पी मकर संक्रांति, आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत 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 बधाइयाँ। निकनेम नहीं बताया ना? हाँ, निकनेम किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि करुणा मैम का निकनेम क्या था, तुम परेशान मत हो, अच्छा इनोसेंट रहो। चलिए स्कोर बताओ अपना, और कमेंट कर बता दिया करो कि भाई सेशन कैसा लगा, बेल आइकन को हिट कर देना, नोटिफिकेशन मिल जाए सभी क्लासेस के, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। धूप आ गई मैम, अरे यहाँ धूप नहीं है, यहाँ तो फॉग है बहुत ज़्यादा, कल भी 1 बजे तक बिल्कुल फॉग था। हाँ आज गोलू भी आए थे, सुनाएंगे अजीत किसी और दिन, आज तो मेरे को अभी याद नहीं आ रही है। तो सेशन को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे की क्लास में, तब तक सभी लोग आप लोग अपना ध्यान रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो। मिलते हैं सेम टाइम पर सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। और जिसने अभी तक वो शॉर्ट्स नहीं देखी है ना, जाकर जल्दी से शॉर्ट्स देख लो, कल वाली भी और आज वाली भी, ठीक है।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।